नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की पंच भीखों की कथा सुनाएंगे। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता है कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोचड़ी नदी के पास ही छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। पूरे गांव में राजा की थू थू होने लगी, पर राजा का बेटा था तो आदेश तो मानना ही था। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? फिर वह बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे तीवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में मैं मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। राजकुमार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने चारों रात तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दूं। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि
क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कौड़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धन की बहन बनाए और रोज उसकी नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधु का सत रखा, वैसा सभी का रखना। बोलो कार्तिकी के ठाकुर की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।